सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी व्याकरण। आज हम इसमें पढ़ेंगे क्रिया। तो क्रिया क्या होता है बच्चों? जो भी कार्य हम करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि अभिनव पत्र लिख रहा है, तो अभिनव क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि लता खाना पका रही है। लता क्या कर रही है? खाना पका रही है। तीसरे चित्र में हम देखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल खेल रहे हैं। तो हम इन वाक्यों में देखते हैं कि लिख रहा है, पका रही है और खेल रहे हैं। ये जो शब्द है ये हमें कार्य व्यापार का बोध करा रहे हैं। तो इनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है, इसीलिए ये क्रियाएं हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि क्रिया क्या है। जो भी कार्य हम करते हैं वही क्रिया है। तो क्रिया शब्द कार्य करने या होने का बोध कराते हैं। जो भी कार्य हम करते हैं तो हमें उससे पता चल रहा है कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, तो वही क्रिया होती है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो वो इस प्रकार होगी। जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खेलना, लिखना, पकाना, ये सब क्या है? क्रिया है, क्योंकि ये हमें कार्य के करने की या होने का बोध करा रही है, इसीलिए इसे क्रिया कहा गया है। अब अगला है हमारा क्रिया के भेद, यानी कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया के कौन कौन से भेद है। तो क्रिया का जो पहला भेद है वो है सकर्मक क्रिया। अगला है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि हिरण पानी पी रहा है। दूसरे चित्र में सविता खाना पका रही है। तीसरे चित्र में महेश पुस्तक पढ़ रहा है। अगर आपको सकर्मक क्रिया पहचानना है तो अगर किसी भी वाक्य में आप क्या और किसको शब्दों से अगर आप प्रश्न करते हैं, अगर आपको उसका उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि हिरण पानी पी रहा है, तो अगर हम क्रिया से पहले प्रश्न करेंगे कि हिरण क्या पी रहा है, तो हमें इसका उत्तर मिल रहा है पानी। अगर उत्तर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार सविता खाना पका रही है, तो सविता क्या पका रही है? तो खाना पका रही है, तो हमें इसका उत्तर मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा महेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो महेश क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, इसका उत्तर हमें मिल रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो आपने देखा कि पीछे दिए गए वाक्यों में क्रमशः पीना, पकाना और पढ़ना क्रियाओं का फल कर्ता। कर्ता कौन है इसमें? हिरण है, सविता है। जो कार्य करता है उसे कर्ता कहा जाता है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं, हिरण कर रहा है, सविता कर रही है और महेश कर रहे हैं, तो उनका जो फल है वो उन पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि किस पे पड़ रहा है? पानी पे, खाना पे और पुस्तक पर पड़ रहा है। इसीलिए पी रहा है, पका रही है और पढ़ रहा है, ये सकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका जो फल है वो कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, तो उसमें सकर्मक क्रिया ही आएगा। लेकिन हम साधारण भाषा में पढ़े तो हमें अगर क्या और किसको लगाकर हम प्रश्न करें और हमें उसका उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा अकर्मक क्रिया। इसमें भी हम इस चित्र में देख रहे हैं कि चीता भागता है। दूसरे चित्र में रमन सो गया। तीसरे चित्र में पक्षी चहचहा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों में क्रमशः भागना, सोना और चहचहाना का फल और कर्म दोनों क्रमशः चीता, रमन और पक्षी में ही है। इनका कोई कर्म नहीं है, इसीलिए भागता है, सो गया और चहचहा रहे हैं, ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। देखो बच्चों, अगर हम इसमें प्रश्न करते हैं तो हमें इसका उत्तर नहीं मिलेगा, क्या भागता है? तो कोई उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्या सो गया? तो भी हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। पक्षी चहचहा रहे, क्या चहचहा रहे? तो
तो इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। अगर हमें उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा इस प्रकार होगी, जिस क्रिया का व्यापार या कार्य और फल दोनों कर्ता में ही रहे उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। पहले भी मैंने बताया है कि अगर हम प्रश्न करते हैं क्या और किसको लगाकर उत्तर मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, उत्तर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। इस प्रकार आप ये प्रश्न कर इनको पहचान सकते हैं कि कौन सी सकर्मक क्रिया है और कौन सी अकर्मक क्रिया है। तो अब इस क्रिया से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, क्रिया की परिभाषा लिखो या क्रिया किसे कहते हैं, तो भी हमें इसका उत्तर यही लिखना है। उत्तर है हमारा, जिस शब्द के द्वारा किसी काम के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना आदि। इसके अलावा भी आप दूसरे उदाहरण भी इसमें लिख सकते हो। प्रश्न दो, क्रिया के कितने भेद हैं और प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो। हमने पढ़ा है क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया का उदाहरण हमें इसमें लिखना है। तो इसका पहला उदाहरण है, बच्चा गेंद से खेल रहा है। इसका दूसरा उदाहरण है, लता खाना पका रही है। अगर आपको सकर्मक और अकर्मक के भेद अगर आपको समझ में आता है तो आप उदाहरण आसानी से लिख सकते हो। दूसरा भेद है हमारा अकर्मक क्रिया। अब इसके उदाहरण इस प्रकार है, पहला इसका उदाहरण है, चीता भागता है, दूसरा कोयल कूकती है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थानों में उचित क्रिया शब्द भरिए। यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, उसमें हमें जो भी क्रिया उचित लगती है वही हमें यहाँ पर लिखना है। इसका पहला है, कल हम सब लाल किला देखने डैश, क्या आएगा इसमें, कौन सी क्रिया शब्द आएगा, जाएंगे। तो कल हम सब लाल किला देखने जाएंगे। दूसरा है, सूरज पश्चिम में डैश, क्या होता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। अगला है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानाचार्य ने तिरंगा डैश, क्या किया, तिरंगे को फहराया। अगला है, नेहा पार्क में डैश, क्या करती है, नेहा पार्क में घूमती है। अगला है, अजय पुस्तक डैश, अजय क्या करता है, पुस्तक को पढ़ रहा है, अजय पुस्तक पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए हुए हैं, उन क्रिया शब्द से हमें एक वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला है, गाता है, ये एक क्रिया है, इससे हमें वाक्य बनाना है। तो हमारा वाक्य ऐसे बनेगा, राम गाना गाता है। अगला है, लिखता है, इससे वाक्य बनाएंगे, श्याम पत्र लिखता है। अगला है, खेलता है, इससे वाक्य बनाएंगे, बच्चे गेंद से खेलते हैं। अगला है, सो गया, इससे वाक्य बनेगा हमारा, रमन सो गया। अगला है, काम किया, इससे हमारा वाक्य बनेगा, राधा ने घर का काम किया। अगला है, उदय होता है, इससे वाक्य बनेगा, सूरज पूर्व में उदय होता है। अगला है, दौड़ा, इससे हमारा वाक्य बनेगा, हिरण बहुत तेज दौड़ा। अगला है, काटा, काटा से हमारा वाक्य बनेगा, चूहे ने जाल काटा। अगला है, कूदता है, इससे वाक्य बनेगा, शुभम छत से कूदता है। आप चाहे तो दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें यही क्रिया शब्द आने चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रियाओं के सकर्मक या अकर्मक भेदों को उनके सामने लिखो। ये वाक्य दिए हुए हैं, हमें इस वाक्य को पहचानना है कि ये सकर्मक वाक्य है या अकर्मक वाक्य है। इसके भेद को मैंने आपको समझा दिया है, तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। पहला है हमारा, आज बरसात होगी। तो अगर हम प्रश्न कर रहे हैं कि आज क्या होगी,
तो हमें इसका उत्तर मिल रहा है बरसात होगी। तो ये सकर्मक वाक्य है। अगला है, रमन चाकू से फल काट रहा है। तो हम इससे प्रश्न करते हैं कि रमन क्या काट रहा है, तो क्या काट रहा है, हमें इसका उत्तर मिल रहा है फल, फल को काट रहा है। तो ये भी सकर्मक क्रिया का वाक्य है। अगला है, सविता बाजार जा रही है। अगर हम इसमें प्रश्न करते हैं सविता क्या जा रही है, तो हमें इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसे अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखा गया है। अगला है, चोर भाग गए, क्या भाग गए, तो इसका भी उत्तर हमें नहीं मिलता है, तो ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला है, मैं आऊंगा, इसका तो कोई प्रश्न ही नहीं बन रहा है कि मैं क्या आऊंगा, कुछ भी प्रश्न नहीं है इसका, इसका हमें उत्तर भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, आपको क्रिया के बारे में समझाया, आशा करती हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी प्रश्न उत्तर आपको करवाए गए हैं, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उसे याद करना है। धन्यवाद।